नमस्कार दोस्तों, ये जो वैकेंसी की अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो यहाँ पे जो है डिटेल्ड में जो है इस वैकेंसी के बारे में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे आवेदन करना है, आवेदन फीस क्या है, कितने पद है और साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में हम आपको देने वाले। तो चलिए अभी हम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। जब आप एडवर्टीजमेंट एंड यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 के संबंध में जो है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है स्टार्ट जो है 21 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होकर 21 मई 2022 तक आप फाइनल जो है सबमिशन जो है यहाँ पर कर पाएंगे। एंड फीस डिपोजिशन की जो लास्ट डेट है वो 17 मई 2022 है। चूंकि उत्तर प्रदेश जो पीसीएस है, उत्तर प्रदेश सॉरी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा जो है पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो फी जो फॉर्म सबमिशन की डेट है उससे पहले होती है। तो मैं यहाँ पे जो है आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखें और पहले ही जो है आप आवेदन यहाँ पर करें। जब आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो है आप एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022, सो यहाँ पे डेट आपको यहाँ पर दी गई है, ये डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पदों की संख्या अगर देखें तो टोटल जो पद है 44 पदों पे जो है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 8 जिसमें 47,600 बेसिक सैलरी आपकी स्टार्टिंग रहेगी, जो 1,51,100 रुपये तक जो है यहाँ पर आपकी जाने वाली है। सो प्लस जो भत्ते हैं वो यहाँ पे आपको जो है दे होंगे। आयु सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई 2022 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष जो है आयु सीमा जो है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। सो यहाँ पे आप चाहे किसी भी स्टेट से है, अगर आप जो है ये रखते हैं आयु सीमा को, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अन्य राज्य के कैंडिडेट एज ए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के रूप में आवेदन कर सकते हैं, जबकि जो उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी है उनको जो है यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए 55 वर्ष की जो है यहाँ पर 55 वर्ष तक जो है आवेदन जो है यहाँ पर कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और जो कुछ स्किल्ड प्लेयर है उत्तर प्रदेश के, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक है, और तो उनको जो है यहाँ पर 5 वर्ष की छूट प्रदान की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी अल्पकालिक कमीशन, उनको यहाँ पर 3 वर्ष की जो है छूट, सेना में जितनी अवधि प्लस 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। और उत्तर प्रदेश को दिव्यांगजनों को 15 वर्ष यानी कि 55 वर्ष तक आवेदन जो है यहाँ पर कर पाएंगे। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे जो है आपकी विधि स्नातक जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए, विधि स्नातक डिग्री यानी कि LLB जो है आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है अधिमानी अर्हता, मतलब जो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि और राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का भी प्रमाण पत्र है, उनको यहाँ पर वरीयता जो है प्रेफरेंस जो है यहाँ पर दिया जाएगा, जबकि केवल LLB आपके पास होनी चाहिए, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है नॉमिनल होता है उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का, कम से कम जो है यहाँ पर दिव्यांग श्रेणी के लिए कोई शुल्क नहीं, केवल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुल्क 25, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यहाँ पर 25 रुपये देना होगा। 25 रुपये से अधिकतम 125 रुपये जो है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज को जो है यहाँ पर ये जो है दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें आवेदन जो है आपको ऑनलाइन करना है, एंड ऑनलाइन जो है उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ जब आप आवेदन करेंगे तो जो है इस प्रकार से आपका फोटो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 1 जो है 4.5 सेंटीमीटर और सिग्नेचर इससे जो है इस प्रकार का जो है आप बना के जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। सो नाउ जो है अगर हम बात करें सबसे पहले कितनी स्टेज में जो है ये आपकी परीक्षा, सो सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी सामान्य जो है यहाँ पर 1 प्रश्न पत्र, समय 2 घंटे, अंक 150, ये आपका सिलेबस जो है आपका यहाँ पर रहने वाला है। सो लिखित परीक्षा का जो है हिंदी में भी जो है यहाँ पर जो है देखिए, लिखित परीक्षा आपकी मुख्य परीक्षा होगी जिसमें यहाँ पे सामान्य ज्ञान का 100 अंकों का, सामान्य हिंदी का 100 अंकों का, हाई स्कूल स्तर का क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर 100 अंक एंड लॉ ऑफ एविडेंस 100 अंक, और उसके बाद इंटरव्यू आपका 50 अंकों का होगा। यानी कि 150 अंकों का प्रारंभिक परीक्षा, 400 अंकों की आपकी मुख्य परीक्षा और 50 अंकों का आपका व्यक्तित्व परीक्षा यानी कि जो इंटरव्यू आपका होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है होने वाला है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में जो है ये आपका एडवर्टीजमेंट है, आप यहाँ पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जो है जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।